आ रही है। पहले एक आर्टबोर्ड ले लेते हैं, तो आर्टबोर्ड हम लेते हैं। आज बेसिकली हमने जो बनाना है ना पोस्टर, वो बनाना है सोशल मीडिया के हवाले से, लाइक इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, ठीक है। तो उन पे जो चढ़ती है ना पोस्ट वगैरह, उनका साइज जो होता है वो लेंथ और ब्रेथ वाइज सेम होता है, लाइक 1000 बाय 1000 क्या होगा, इसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ दोनों ही जो है वो 1000 1000 होगी, मतलब एक स्क्वायर पोस्ट जो होगी ना वो चलती है। तो यहाँ पे हम एक आर्ट बोर्ड ले लेते हैं स्क्वायर सा, लाइक कि इसको 1500 कर लेते हैं, 1500 वेट और 1500 ही इसकी हाइट हो गई। तो ये बेसिकली हमारा आर्टबोर्ड था, न्यू आर्टबोर्ड बनाया था ताकि हम उसके ऊपर पोस्टर बना सकें। सबसे पहले बैकग्राउंड ले लेते हैं, यहाँ से एक और लेयर ले लेते हैं हम, ये हमारे पास बैकग्राउंड लेयर आ गई, ठीक है। हम बना लेते हैं सबसे पहले, लाइक के यहाँ पे हमारा लोगो आ जाएगा और यहाँ पे हम एक बड़ा सा लाइक सर्कल डाल लेते हैं जो हाइलाइटेड होगा, ठीक है। तो सर्कल हम यहाँ पे डाल देते हैं यूं, और कलर उसमें हम ये वाला कर लेते हैं, यहाँ पे दिया है ना तो ये वाला कर लेते हैं। एक और हम इसके बाहर लेते हैं और इसका कर देते हैं स्ट्रोक, ये देखिए इस पे स्ट्रोक आ गई है, स्ट्रोक थोड़ी सी मोटी कर देते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये अब इक्वल आ गई है, इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा किया। स्ट्रोक यहाँ से जो है डैश लाइन के तौर पे हम ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड को ले जाते हैं ऊपर, ये देखें अब हमने इनको क्लिप कर देना सिंपल, ये मेक ए क्लिपिंग मास्क, ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड सा आ गया, यहाँ पे हम एक लोगो ऐड कर देते हैं, लोगो जो कल बनाया था हमने डेमो लोगो, ये ही हम उधर पेस्ट कर लेते हैं। लाइट नहीं है तो फिर बटन्स को जरा मुझे झुक के देखना पड़ता है। और कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम बड़ा, ये बड़ा हो गया, ओके। अब काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आपने पीएनजी कहाँ से ली थी वो और क्या सर्च करना है, लाइक तो इसी वजह से फिर आज मैंने रिसोर्स फाइलें जो है वो पहले नहीं लेके रखी, मैंने सोचा है यहाँ आप लोगों के सामने सर्च। पिक्चर्स वगैरह आप अपनी खुद की भी बना के उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से जो आपको सही लगती है आप वो उठा के भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी वो वाली आपने देखनी है जिसके ऊपर कॉपीराइट ना हो, ठीक है। हम तो अभी फिलहाल जो है जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना इशू कोई नहीं है, इसको ले लेते हैं। किधर गई किधर गई,
ये छोटी है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये देखें ये भी डाउनलोड हो जाएगी। देन इसको ऐड कर देंगे उधर, मतलब इसको प्लेस कर देना। ये कुछ आ गया आर ई वाई फोर, पीएनजी हमारे पास हो गई है डाउनलोड। ठीक है, अब इसको प्लेस करना भी सिखा देता हूँ मैं दोबारा से आप लोगों को। यहाँ पे जाना है, प्लेस पे क्लिक करना है। ठीक है, जहाँ आपकी डाउनलोड हुई है वहाँ जाना है, और यहाँ पे हमने अभी डाउनलोड की है। किधर गई, अभी तो डाउनलोड हुई है, देखने दें डाउनलोड कौन सी हुई है। ये वाली हुई है, ये यहाँ पे शो नहीं हो रही। हम सिंपल इसको यहाँ से कंट्रोल सी कर लेते हैं। ठीक है, और आर्टबोर्ड पे जाके यहाँ पे कंट्रोल ये आ जाएगा हमारे पास। ये बेसिकली यहाँ ही है, इसको यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। हमें सही चाहिए इतना, एक आई थिंक सो इनफ रहेगा। हाँ, इतना एक इनफ रहेगा। इसी को ना आप क्लिपिंग मास्क के अंदर ही ऐड कर देते हैं। ये देखिए, ये क्लिप होगी यहाँ पे। ठीक है, ये ज्यादा बेटर लग रही थी उसकी निस्बत, उन्हें डिजाइन के साथ मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखें, ये बेटर लग रही है उसकी निस्बत। लोगो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे अब अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं, लाइक जैसे काला भा हमने ऐड किया था ना, उसी तरीके का कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लेते हैं इसको। अगर हम इसी को ले लें, इसको चेंज कर लेंगे ना, इसकी जगह कुछ और लिख लेंगे। का ये बॉक्स है वो वाला टाइटल, इसका साइज छोटा कर लेते हैं इससे, तो इसके ऊपर आएगा वो। इस तरह की चीजें ना मेरे ख्याल से फिजिकल में ज्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि ऑनलाइन में देखो, अब मैं इधर से क्या प्रेस कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको नहीं पता। ठीक है, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि फिजिकल क्लासेस भी लाजमी लें, मतलब इंस्टीट्यूट में कर लें। लेकिन अगर आपने मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है प्रॉपर, तो फिजिकल क्लासेस वगैरह लें। अगर इंस्ट्रक्टर आपके पास होगा ना, तो वो ज़्यादा बेटर है, वो आपको साथ साथ समझा देगा। आपको भी नहीं पता कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, इसमें भी ये है कि लिमिटेड सा टाइम है,
आप लोगों को दो चार चीज़ें बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को यूज़ करना आ जाए टूल्स को प्रोफेशनली। ठीक है, मैंने वैसे ये वाले सारे टूल्स आप लोगों को जो पोस्टर डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होने हैं फिर भी इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं तो इस पे थोड़ा सा वर्क करें, अपने प्रैक्टिस वगैरह भी करें। ठीक है ना, और ज़रूरी नहीं कि हमारा ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, कोई भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करें लेकिन फिज़िकल लाजमी करें। ठीक है ना, अब इसका कलर मैं सोच रहा हूँ कि ना तो देखें ये पूरा इसके फिल में कलर जाएगा, तो हम यहाँ से इसका कोड कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमने कोड कॉपी किया, इस पर क्लिक कर दिया, देखें इस पर क्लिक हो गया, यहाँ से स्ट्रोक में गए, स्ट्रोक कलर में गए, यहाँ पे हमने कोड को कर दिया पेस्ट और देन एंटर प्रेस कर दिया। ये देखें इसका कलर भी वही हो गया। अगर इसको मैं इससे करता ना आई ड्रॉपर टूल से, तो ये देखें ये फिल में चेंज हो जाना था। इसके दो तरीके कार हैं, या तो आप इसको जो है क्या नाम यहाँ से इसकी एक्सपेंड अपेयरेंस से इसको जो है प्रॉपर ऑब्जेक्ट में चेंज कर लो, या फिर इधर से कलर कोड कॉपी करके इधर डाल दो। ठीक है, तो ये देखें थोड़ा सा छोटा कर देते हैं टोपोग्राफी का। और यहाँ पे एक बटन ऐड करना है। ठीक है, बटन आज थोड़ा सा डिफरेंट हम ऐड कर लेते हैं, और लाइक पहले माइनस का था, आज हम विजिट विजिट नाउ का ये विजिट अस को कर देते हैं, विजिट अस। ठीक है, और इसको यहाँ से कर देते हैं हम ऑल कैप्स। ठीक है, और फॉन्ट इसका चेंज कर देते हैं, लाइक पॉपिन ही यूज करूंगा, इसकी दूसरी फैमिली से सेमी बोल्ड वाइट कलर। वाइट कलर हम बाद में करेंगे बटन बनाने के बाद। कलर हम कर देते हैं ये ऑरेंज। ठीक है, और इसको एक लेयर पीछे भेज देते हैं, देखें ये यहाँ पे शो हो रहा है, इसको पीछे भेज देते हैं, ये देखें विजिटर्स ऊपर आ जाएगा। इसका कलर अब हम कर देते हैं वाइट, क्योंकि ना कुछ कलर्स जो होते हैं वो मैच नहीं करते, लाइक ऑरेंज के साथ जो है ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहा, डार्क कलर्स के साथ जो है ना हमेशा लाइट कलर का कंट्रास्ट लेते हैं। ठीक है, और अगर लाइट कलर होगा तो उसके साथ डार्क कलर का कंट्रास्ट लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है, कंट्रास्ट को देखना है, लास्ट में देखना है। ठीक है, अगर इसके नीचे बेशक आप अपनी वेबसाइट का URL दे, ये फेसबुक पोस्ट है ना तो इसमें URL दे देना अच्छी बात। मतलब अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ाना चाह रहे हो तो जो क्या नाम है यूज़र या कह लो कि ऑडियंस आपकी वो लिंक देख के आपकी साइट पे पहुंच जाए। ठीक है, ये देखें हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये इतना शार्प मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसे भी नहीं अच्छा लगता इतना शार्प ब्लैक, तो इसको मीडियम करके हल्का सा इसको ना ग्रेश ग्रेश सा लुक दे दिया मैंने। ओवरऑल इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, और इसके कॉर्नर को फिर से कर देते हैं ब्लैक थोड़ा सा नीचे। अब यही चीज़ जो हमने कल यहाँ पे बनाई थी यहाँ ये हम उधर बड़ा बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंज करना है।
पे अपॉइंटमेंट का है, यहाँ पे सिंपल हमने कॉल इसका कर देना है। जैसे अब यहाँ पे थी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बड़ा हो गया ये। ओके, इसका बैकग्राउंड का कलर कर देते हैं और इधर अपॉइंटमेंट वाला आइकन की जगह जो है सिंपल ये कर लेते हैं, या इधर से ना। हाँ, आप लोगों को एक चीज़ और समझानी थी, आप यहाँ से आइकन लेके उसको ट्रेस भी कर सकते हैं, लाइक कंटेक्ट अस का यहाँ से हम आइकन ले लेते हैं बस। यहाँ से कौन सा ले, ये वाला ले लेते हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड दूसरा है, हमें सॉलिड में चाहिए, लाइक ये वाला चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये देखें ये हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए कि ये वेक्टर फॉर्म में हो जाए, क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये देखें ट्रेस का आर एन चार क्लिक करेंगे तो ये देखें ये बेसिकली ट्रेस हो गया। ठीक है, थ्रेशोल्ड लेवल मतलब कि हमने इसके अंदर कलर्स कितने लेने हैं, अभी तो ब्लैक एंड वाइट पे है ना, तो कलर्स कोई नहीं आ रहे। ग्रे स्केल पे करेंगे तो ग्रे स्केल आ जाएगी, कलर्स की अमाउंट बाद में आ जाती है जब हम कलर्स पे करते हैं, लाइक 30 कलर्स लेने हैं तो वो सारों को ट्रेस कर लेते हैं। जितने थोड़े कलर्स होंगे उतनी थोड़ी सी अजीब सी होगी, यहाँ पास में ये होता है कि वो और ज़्यादा बेहतर होकर नज़र आता है। नॉइस के हिसाब से यहाँ पे ना काफ़ी दफ़ा वाटर मार्क आया होता है, तो जब हम उसको ट्रेस करते हैं ना तो वो छोटे छोटे से निशान बन जाते हैं, तो वो नॉइस हम उस वाले से ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने देखना है इसकी प्रॉपर शेप बन जाए, कॉर्नर्स वगैरह को सेट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जब आप इग्नोर वाइट पर क्लिक करोगे तो ये देखें वाइट जो है ना इसके बैकग्राउंड से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास ये आ गया। अब इसको कर लेते हैं हम एक्सपेंड, एक्सपेंड करेंगे तो इसकी एक प्रॉपर लेयर बन जाएगी, लाइक इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हुए तो वो हर की अलग अलग लेयर बन जाएगी और ये एक एडिटेबल एडिटेबल जो है हमारे पास फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप इसके अंदर हम कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं जो है ना स्मूथ टूल, इसका बेसिकली इसका काम भी मैं बता देता हूँ। आप कोई भी ट्रेसिंग करते हैं आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये टेढ़ा है, ठीक है, ये स्मूथ टूल लेके जाओगे तो यहाँ से आप उस चीज को स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, ये बड़ा काम का टूल है और मैं अक्सर अक्सर नहीं काफी ज्यादा ही ये यूज करता हूँ, क्योंकि ट्रेसिंग वगैरह थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है मेरी, तो मैं फिर इसी वजह से इस टूल का ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। इसका कलर कर लेते हैं ये वाला, ठीक है, और इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। आलस सिंपल कर देते हैं फॉर अपॉइंटमेंट की जगह, या कंटेक्ट अस ना कर दें, चलो कॉल इज ठीक है। थोड़ा सा इसका एंगल सेट कर देते हैं इस वाले से, ऐसा ये क्या हो गया, ये देखिए सही लग रहा है। ये मेरे ख्याल से बैकग्राउंड थोड़ा सा अजीब लग रहा है इस हवाले से, तो बाकी हमारे ये लोगोस थे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ट्रैफिक आपके दूसरे सोशल मीडिया हैंडलर्स तक भी जाए, हम ये वाले आइकन ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से लिया हमने ये आइकन। अब इसमें ये है कि आप ये कॉर्नर पे भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी ऐड कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं आज नीचे ले जाऊँ और वो इधर ऐड करूँ, उसको ज़रा पहले मैं वो ऐड कर दूँ, देन मैं इसको सेट कर। ठीक है, और यहाँ से यूज़र नेम के नीचे ले जाना,
यूं भी है कि आप यूजर नेम को इसके इधर भी ला सकते हो, लाइक अगर आपने एक पेज बनाया हुआ तो आपने सारों का नेम जो है वो सेम ही रखा होगा। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि ये नीचे करके दिया हुआ होता है बिल्कुल एंड पे ना पोस्टर के, उसमें यूं है कि इसको कर देते हैं वो कलर्ड यूं करके, ये नीचे आ गया। नहीं, इसको इसके साथ मैच करना पड़ेगा, नीचे आ गया। और इसको अगर हम पूरे को वाइट कर देते हैं, पहले इसको इसका साइज सेट सेट कर ले, ग्रीन करके मैं इसका कलर अब हम सेट कर लेते हैं। कलर लाइट आ गई है, मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर लग रहा है इसपे तो। इसके गेट में एक येलो हम डाल देते हैं ताकि बाउंड्री में आ जाए जाकर। मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर लग रहा है इस पहले से ना, बस इसमें सेम चीज हो गई थी ना, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। नहीं, पहले भी नहीं लाइट के साथ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे आप फर्दर भी कर सकते हैं, मतलब ईमेल का डाल दिया ठीक है, या फिर अगर आपने कोई उस हवाले से बनाई है तो यहाँ पे सीवी के लिए डाल देना है। और इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा जगह फ्री है, यहाँ ले आते हैं यहाँ पे ठीक है, और इसको ले आते हैं यहाँ पे। उस हिसाब से करना ना जगह कितनी है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें आप अब, ओके okay? जी सर, किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज के हवाले से, किसी भी टूल के हवाले से। टूल देखो सिंपल से यूज किए हैं, बैकग्राउंड में दो टूल यूज किए हैं, एक रेक्टेंगुलर टूल आ गया ये जो है हमारे पास, ये हमने फिर शेप जो है वो उसी इलिप्स टूल से सॉरी बनाई है, ये भी इलिप्स से बनाई है, जस्ट इसको स्ट्रोक करके, और यहाँ से जो है मैंने इसकी स्ट्रोक सेटिंग जो है डैश डैश लाइन कर दी है ठीक है, तो वो लाइन बन गई। मैंने स्ट्रोक के हवाले से सारा समझाया था उसमें लेटर हेड वाले में मेरे ख्याल से ठीक है। ये जो है सिंपल टेक्स्ट है आपने लिखना है, ये अपने हिसाब से आप जितने ज्यादा क्रिएटिव होते जाएंगे उतना ज्यादा क्रिएटिव होते लिखेंगे। डेमो लोगो जो है वो हमने कल बना लिया था, वो बेसिकली आपको जो है क्लाइंट प्रोवाइड कर देगा। ये लिंक का भी मैंने बता दिया था कि ये आप फ्री पिक्स उठा सकते हो, काफी सारी वेबसाइट्स हैं। मैं ना एक पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वहां वो सारी जो है ना फ्री रिसोर्सेज की वेबसाइट्स हैं, तो वहां वहां से आप जो है फ्री रिसोर्स उठा सकते हो ग्राफिक्स के, लाइक पूरा पूरा पोर्ट्रेट भी उठा सकते हो, लेकिन आप उसको कमर्शियली नहीं यूज कर सकते,
मैं जस्ट आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने देखने, स्टार्टिंग में पोस्टर्स देखने हैं, ठीक है, और उन पोस्टर से अपना एक डिफरेंट सा पोस्टर बना देना। देखो इतना मुश्किल नहीं है ये चीज़। मैं आप लोगों को जो है कल जो है या तो बिजनेस कार्ड कर लेंगे या फिर ना इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह होगी वो बड़ी चलती है, मैं दिखाता हूँ इस तरह की पोस्ट होगी। ये देखो जैसे ये मैंने बनाया है तो इस तरह के स्क्वायर फॉर्म में बड़ी चलती है। यहाँ से हम ये खोल लेते हैं, ये देखें। हाँ आप लोगों को एक टास्क देना था मेरे, हाँ मेरे पास पिक्चर पड़ी होगी, ये देखें, ये मैंने एक जस्ट पिक्चर ली सिंपल, ठीक है, और मैंने उस पिक्चर से ये पोस्टर बनाया। तो इस तरीके से आप लोग भी घर में पड़ी हुई जो चीज़ें हैं ना उनकी पिक्चर लें, बैकग्राउंड रिमूव करने की एक आधी वीडियो भी आप देखोगे आपके लिए इनफ। यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो जस्ट आपने देखनी है कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, वो आप उसके पास जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स हो जाएं आप आराम से जो है इनका बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हो। बैकग्राउंड रिमूव किया है, ठीक है, या आप वो ना भी करो, लाइक यहाँ से कोई प्रोडक्ट उठा लो, कोई भी फेस वॉश उठा लो, फेस वॉश PNG, देखो काफी सारे आ जाएंगे, जस्ट आपने इनको लेना है, ठीक है, ऐसा पोस्टर बना देना। इसमें जो दिमाग लगने वाला है वो ये है कि आप लोगों ने लोगो कहाँ लगाना है, ठीक है, लोगो का है, लोगो के साइज को थोड़ा सा करना पड़ता है ताकि वो अच्छा लगे, ठीक है। रिफ्लेक्शंस जो है वो मैंने आप लोगों को नहीं सिखाई बनानी, तो मे भी मैं कल जो इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह है उसके अंदर रिफ्लेक्शंस के हवाले से बताऊँ और इस तरह की चीज़ें बताओ। देखिए स्टिल आप लोग ट्राई करना कि कोई भी प्रोडक्ट लेके ना, जैसे यहाँ पे मैंने आयरन लिया है, देखो आयरन लेके यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन ऐड की थी इसके, ठीक है, वो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पेंटू से ये कर्व बनाया, ठीक है, वो फील था उसके अंदर ब्लर ऐड कर दिया, यहाँ से ब्लर ऐड किया, ठीक है, ब्लर, और देन उसकी ओपेसिटी को जो है मैंने कम कर दिया, तो वो थोड़ा सा जो है क्या ना ऐसे शेप देने लग गया जैसे कि ये यहाँ पे इसके शेडो है। आप सिंपल उसमें नहीं, आप इन बटन्स के पीछे भी शेडो ऐड कर सकते हो, और मैं करता रहा हूँ, मतलब बाद में था कि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, मतलब तो बार बार शेडो वो मुझे पुराना लगा डिज़ाइन। ये देखें ये मैंने जैसे बनाया था इसके अंदर, हाँ ये देखें मैंने लाइटनिंग इफेक्ट जैसे डाला हुआ ना, ये शेडोज के थ्रू ही है, जस्ट उसके पीछे मैंने एक और लेयर येलो डाल दी है और उसको ब्लर करके और थोड़ा से इसकी जो अपेसिटी को कम कर दिया, ठीक है। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा था, अगर ये खुलता है इसमें हुआ तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये चीज, ये चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कल हम इस तरह की चीजें बनाना सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना मतलब आप लोग डिसेंट से डिजाइनर बन के निकलो, कि जो चीज आप बनाओ वो मिनिमल सी हो, डिसेंट सी हो, अच्छी हो। होप सो कि आप लोग जो है मुझे इस हवाले से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे, प्रैक्टिस वगैरह करोगे, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो। कोई क्वेश्चन नहीं है, नो सर, ठीक आवाज नहीं आई आपकी, चले ठीक है फिर हम सेशन एंड करते हैं, आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन नहीं है जी सर, ठीक है, मैंने मिलता बाकी, चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।